Welcome all in CSIR Net Physics Alik channel. Please subscribe, share and like. Today I am discussing spin parity prediction by cell model. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए order of cell filling मैंने यहाँ पे note किया है. तो पहले जो है cell model जो है atomic cell model की analogous ही है. और यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए पर्टिकुलर जो है सेल मॉडल होता है. और उसी तरीके से जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग, इसी तरीके से इसी ऑर्डर पे जो है सेल जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो है फिल होता है. तो ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग ये तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से ऑर्डर में है. पहले है 1s हाफ, उसके बाद 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, 2s हाफ, 1d 3/2, उसके बाद 1f 7/2, उसके बाद 2p 3/2, उसके बाद 1f 5/2, उसके बाद 2p हाफ, 1g 9/2, 1g 7/2, देन 2d 5/2, देन 2d 3/2, 3s हाफ, 1h 11/2, 1h 9/2, 2f 7/2, 2f 5/2, देन 3p 3/2, 3p हाफ एंड 1i 13/2. तो ये है यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग जो है. इसी तरीके से इसी ऑर्डर पे जो है सेल जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए फिल होते रहते हैं. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1s हाफ, तो हाफ क्या है, हाफ है जे वैल्यू. जे वैल्यू क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन होता है. जे इक्वल्स टू एल प्लस एस टू एल माइनस एस. एल एस का वेक्टर कपलिंग वो हमें एटॉमिक मॉडल से एल एस कपलिंग मॉडल. तो उसी तरीके से यहाँ पे एल वैल्यू क्या है, एस के लिए एल वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है. पी के लिए वन होता है, डी के लिए टू होता है, एफ के लिए थ्री होता है, जी के लिए होता है, जी के लिए होता है फोर, आई के लिए फाइव होता है. तो यहाँ पे एल वैल्यू तो हमें एस पी डी एफ इस यहां से मिल जाएगा. और एस वैल्यू यहाँ पे हम जो लेते हैं यहाँ पे हम लोग वो है हाफ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी का एल वैल्यू क्या है, वन है. तो 1 + 1/2 यानी 3/2, 1 - 1/2 यानी हाफ. तो यहाँ पे दोनों दो ही जो है कॉम्बिनेशन जो बनता है 1p 3/2 और 1p हाफ. तो यहाँ पे एक और चीज हम बता सकते हैं, जे वैल्यू क्या है. जे वैल्यू ये वाला नीचे जो है तो वो वाला जो वैल्यू है वो जे वैल्यू होता है. तो जे वैल्यू से हम लोग ये बता सकते हैं कि 1s हाफ में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन फिल हो सकते हैं, 1p 3/2 में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन फिल हो सकते हैं, 1p हाफ में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन फिल हो सकते हैं. तो 1s हाफ में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2j + 1. तो यहाँ पे j वैल्यू कितना है, हाफ है, यानी 2 × 1/2 + 1 यानी 2. यहाँ पे देखिए 1g 9/2, यहाँ पे कितने हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे j वैल्यू कितना है, 9/2 है. तो 9/2 × 2 यानी 9 + 1 यानी मैक्सिमम 10 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इस 1g 9/2 सेल में फिल हो सकते हैं. तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे मैंने जो है ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग पहले मैंने दिखाया है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब है स्पिन पैरिटी प्रेडिक्शन. तो स्पिन पैरिटी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो हम लोग इस सेक्शन में बताएंगे. तो स्पिन पैरिटी यानी न्यूक्लियर स्पिन पता करना है और उसका पैरिटी क्या है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं पहले वो चीज हम लोग देखेंगे. न्यूक्लियर स्पिन यानी जे, यहां पे दिया हुआ है जे टू दी पावर पी दिया हुआ है. तो ये टू दी पावर पी को पी जो है यहाँ पे पैरिटी है. पैरिटी दो तरीके की होती है, एक होता है इवन पैरिटी और एक होता है ऑड पैरिटी. कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि एक न्यूक्लियर है, एक्स न्यूक्लियर है, उसका जो है मास नंबर है ए और प्रोटॉन नंबर है जेड. तो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएंगे ए माइनस जेड. तो इवन इवन न्यूक्लियर के लिए फर्स्ट केस, इवन इवन न्यूक्लियर यानी प्रोटॉन नंबर जो है वो भी इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन, दोनों ही अगर इवन इवन है तो जेपी वैल्यू जो हमें मिलेगा वो हमेशा मिलेगा जीरो पॉजिटिव. यानी जीरो उसका हो गया स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन, और प्लस जो हो गया उसका वो हो गया पैरिटी, इवन पैरिटी. ये ऑलवेज जेपी वैल्यू इसका जीरो पॉजिटिव ही रहेगा. उसके बाद है ऑड इवन और इवन ऑड न्यूक्लियर. जैसे कि मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियर है उसका प्रोटॉन नंबर ऑड है
और न्यूट्रॉन नंबर इवन है, या न्यूट्रॉन नंबर ऑड है और प्रोटॉन नंबर इवन है, यानी इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई। तो इस तरीके की न्यूक्लियाई के लिए जेपी वैल्यू निकालने का तरीका यह है कि हम ऑड नंबर जहां पे रहेगा, अगर प्रोटॉन नंबर ऑड रहे तो प्रोटॉन को लेके काम करेंगे, अगर न्यूट्रॉन नंबर ऑड रहे तो न्यूट्रॉन को लेके काम करेंगे, न्यूट्रॉन नंबर को लेके काम करेंगे। ओके, तो जेपी जे वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय लास्ट अनपेयर न्यूक्लियॉन एंड पैरिटी। ओके, तो पैरिटी निकालने के लिए जो है वो फॉर्मूला होता है -1 to the power Lp अगर प्रोटॉन को लेके काम करे तो, और -1 to the power Ln अगर न्यूट्रॉन को लेके काम करे तो। तीसरा केस जो है ऑड न्यूक्लियाई, ऑड ऑड न्यूक्लियाई यानी यहां पे न्यूट्रॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की नंबर भी ऑड है और प्रोटॉन नंबर भी ऑड है, दोनों ही ऑड ऑड है, तो यहां पे जेपी वैल्यू हमें मिल जाएगा, सॉरी यहां पे जेपी नीचे पी दिया हुआ, जेपी फॉर न्यूक्लियर स्पिन फॉर प्रोटॉन, न्यूक्लियर स्पिन फॉर न्यूट्रॉन, एल फॉर प्रोटॉन, एल फॉर न्यूट्रॉन। तो जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन अगर ऑड नंबर मिले तो नेट स्पिन जो हमें मिल जाएगा वो है जे इक्वल्स टू जेपी प्लस जेएन। अगर जेपी प्लस जेएन प्लस एलपी प्लस एलएन अगर इवन नंबर है तो नेट स्पिन जो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ जेपी माइनस जेएन, और नेट पैरिटी हमेशा जो है पी इक्वल्स टू -1 to the power Lp plus Ln। तो अभी यहां पे मैंने जो डिस्कस किया वो है कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर तो हमें जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सवाल देखिए दोस्तों, व्हाट विल बी द स्पिन पैरिटी ऑफ, यहां पे पहला वाला एग्जांपल 12 कार्बन सी, उसके बाद 57 निकल 28, उसके बाद 10 बोरोन 5। ओके, तो पहला वाला करते हैं हम लोग, तो 12 कार्बन सी 6 यानी प्रोटॉन नंबर हमें कितना मिला, 6 मिला, और न्यूट्रॉन नंबर भी हमें कितना मिलेगा, 12 माइनस 6 यानी 6 मिलेगा, तो दोनों ही जो है इवन इवन है, तो न्यूक्लियाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही जो है इवन इवन है, तो इवन इवन के लिए मैंने क्या कहा, ऑलवेज जेपी वैल्यू जो है हमें मिलेगा 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव ही मिलता है इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 57 28 निकल, तो यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे प्रोटॉन नंबर हमें कितना मिला, प्रोटॉन नंबर मिला 28, न्यूट्रॉन नंबर कितना मिला 57 -28 यानी हमें मिला 29। तो यहां पे देखिए प्रोटॉन नंबर जो है इवन है, न्यूट्रॉन नंबर जो है ऑड है, तो अब हम लोग सेल मॉडल की ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग को याद करेंगे, क्या है कौन से ऑर्डर पे होता है, 1s½, 1p³/2, 1p½, 1d5/2, उसके बाद 2s½, उसके बाद 1d³/2, उसके बाद 1f7/2, 2p³/2, इसी तरीके से चलता आता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए कि काम किसको लेकर करना पड़ेगा, ऑड नंबर जिस पे रहेगा, तो ऑड कौन से पे है, न्यूट्रॉन पे है, तो प्रोटॉन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन का लेकर ही जो है स्पिन पैरिटी प्रेडिक्ट करेंगे। तो न्यूट्रॉन में नंबर कितना है 29, तो यहां पे देखिए 29 कब आएगा, कैसे आता है वो देखिए, तो इस तरीके से ये तो है ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग। तो मैंने क्या कहा कि कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिल कर सकते हैं इस सेल को, 2j+1 यानी यहां पे कितना मिल जाएगा 2, उसके बाद यहां कितना मिलेगा 4, उसके बाद यहां कितना मिलेगा 2। तो इसी तरीके से दोस्तों यहां पे जो है कि हमें मिल जाता है, जैसे कि यहां पे आप लोग देखिए यहां पे कितना मिलता है 2 मिलता है, उसके बाद यहां पे 4, उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, उसके बाद यहां पे 6, उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, उसके बाद यहां पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इसके बाद यहां पे 8 मिलेगा, उसके बाद यहां पे 4 मिल जाता है। तो यहां पे आसानी के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पे जो है कि आप लोग यहां पे 7+1 कर दे, 3+1 कर दे, 1+1 कर दे, तो ही हमें मिल जाता है, ज्यादा हमें 2j+1 करने की भी जरूरत नहीं है, उतना टाइम सेव करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे देखिए 29 कब आएगा, तो 2+4 यानी कितना हो गया 6+2 यानी 8+6 यानी 14, 14+2 16, 16+4 20, 20+28 28,
प्लस 4 32। तो यहां तक जो है हमें क्या मिला, 32 मिल रहा है, और यहां तक हमें जो क्या मिल रहा है, यहां तक हमें मिल रहा है 28। तो हमारा नंबर क्या है, नंबर है 29। तो 29 कहां, यहां पे इसके अंदर तो नहीं आएगा 29। तो 29 जो है 28 और 32 के बीच में है, तो इस सेल में जो है फिल करेगा 2p 3/2। तो हमें j वैल्यू क्या मिल गया, इसका j वैल्यू, तो 3/2 जो है j वैल्यू हमें मिल जाता है। उसके बाद l वैल्यू क्या मिलेगा, l n लिखा है, n फॉर न्यूट्रॉन, l वैल्यू क्या मिलेगा, p के लिए l वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1। अब पैरिटी निकालेंगे, तो पैरिटी का फॉर्मूला क्या है, -1 to the power ln, न्यूट्रॉन है ना, तो ln, तो -1 to the power ln यानी -1 ही मिलेगा। तो जेपी वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे इसका, तो वो हो गया 3/2 लिख देंगे जे वैल्यू। उसके बाद पैरिटी जो है ऊपर लिखना पड़ता है, तो पैरिटी यहां पे क्या है, ऑड पैरिटी, इसी वजह से माइनस ऊपर 3/2 माइनस, ये हो गया जेपी वैल्यू। अब देखेंगे तीसरा एग्जांपल 10 5 बोरोन के लिए। तो यहां पे देखिए न्यूट्रॉन नंबर भी 5 है, प्रोटॉन नंबर भी जो है 5 है, तो न्यूट्रॉन नंबर भी 5 है, प्रोटॉन नंबर भी 5 है, तो दोनों ही जो है ऑड है, ऑड ऑड न्यूक्लियाई है। तो ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए हमें जेपी वैल्यू, जेएन वैल्यू प्लस एनपी प्लस एनएन सम करना पड़ेगा। पहले पहला काम ही है जो उसको सम करो, उसके बाद ऑड निकले तो ऑड निकले तो जे वैल्यू एक आएगा, इवन निकले तो जे वैल्यू दूसरा आएगा। अच्छा चलिए, तो यहां पे देखते हैं क्या था। तो जेपी वैल्यू, तो यहां पे 5 5 है, तो 5 5, तो चलिए यहां पे 2 5 की से, यहां पे 2 प्लस 4 यानी 6, तो इस सेल में कितना है 2, लेकिन हमारा क्या है 5 है, यहां पे नंबर क्या है 5, तो 5 कहां पे लाई करेगा, यानी इस सेल पे लाई करेगा 2p 3/1p 3/2 में लाई करेगा। ओके, तो जे वैल्यू हमें क्या मिल गया, जे वैल्यू हमें मिल जाएगा 3/2। अब देखिए न्यूट्रॉन नंबर भी 5 है, प्रोटॉन नंबर भी जो है 5 है, तो जे पी, जे फॉर प्रोटॉन के लिए हमें जो मिला वो भी 3/2 मिलेगा, जे फॉर न्यूट्रॉन वो भी हमें 3/2 ही मिलेगा। और यहां पे देखिए पी का पी है, इसी वजह से एल वैल्यू क्या है 1 मिलेगा दोनों केसेस में ही, तो 3/2 + 3/2 + 1 + 1 यानी हमें जो है 5 मिल गया। तो 5 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इसी वजह से ऑड नंबर के लिए क्या होता है, नेट स्पिन जो है जे इक्वल टू जेपी प्लस जेएन, यानी हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 3/2 + 3/2 क्या मिलेगा 3/3। और पैरिटी जो हमें मिलता है ऑड ऑड न्यूक्लियाई के केस में -1 to the power lp + ln, तो हमें जो मिल जाएगा -1 to the power 1 + 1 यानी 2, यानी हमें +1 मिल जाएगा। तो जेपी वैल्यू जो हमें मिल गया 3+ मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल द स्पिन पैरिटी ऑफ द टू न्यूक्लियाई 125 SB51 एंड 189 SR38 आर रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है 9 दिसंबर 2011 में आ चुका है। तो इसी तरीके की और भी क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला क्या है, 125 SB51 यानी प्रोटॉन नंबर जो है 51 मिला, तो न्यूट्रॉन नंबर हमें मिला 74। ऑड कौन सा है, ऑड इवन न्यूक्लियाई है, तो ऑड इवन ऑड कौन सा है, प्रोटॉन है, तो हमें क्या किसको लेके काम करना पड़ेगा, प्रोटॉन को लेके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेल फिलिंग तो हमें ये मिल गया। अब जो है कि 51 कितने नंबर पे आता है, तो 51 यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद यहाँ आएगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ आएगा 6, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ 4, उसके बाद यहाँ 8, उसके बाद यहाँ आएगा आपका 4, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ आएगा 2, उसके बाद यहाँ आएगा 10, उसके बाद यहाँ आएगा 8। तो इसको 51 कितने नंबर में जो है लाई कर रहा है, तो वो देखते हैं पहले। तो 2 + 4 यानी यहाँ हो गया 6 + 2 यानी 8 + 6 14, 14 + 2 16 + 4 20, 20 + 8 28, 4 + 4 32, 32 + 6 यानी हो गया 38, 38 + 2 40, 40 + 10 50, एंड दिस वन 58 मिल रहा है। तो दोस्तों हमें यहां पे क्या है, 51 है,
50 ऑन है ना, तो 50 ऑन के लिए हमें तो जे वैल्यू कितना मिल गया, जे वैल्यू हमें मिल गया 7/2। ओके, और एल पी यहां पे प्रोटॉन को लेके काम कर रहे हैं तो इसी वजह से एल पी लिखा है। तो एल पी वैल्यू कितना मिला, जी के लिए एल वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिख दिया यहां पे। तो पैरिटी हमें कितना मिल जाएगा, -1 to the power एल पी यानी 4 यानी +1 मिलेगा। तो जेपी वैल्यू हमें मिल गया 7/2 प्लस। अब इसके लिए देखिए यहां पे 89, एसआर 38, तो प्रोटॉन वैल्यू क्या है 38, न्यूट्रॉन वैल्यू क्या है 51, तो उसी वजह से 7/2 प्लस यहां पर भी मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी फीडबैक हो या किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ वहां पे जो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।